हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि लास्ट वीडियो मेरा प्रेगनेंसी से रिलेटेड था और उस वीडियो में आप लोग इतना सारा मुझे प्यार दिए, कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे लेकिन काफ़ी सारा प्यार भी मुझे मिला और व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आए और मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट किया गया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर को लेकर के मैं ये वीडियो बनाऊं, मैं अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूं। तो मैं आज आप लोगों को पूरा प्रॉपर बताऊंगी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो चलिए स्टार्टिंग से बात करते हैं, क्या कैसे हुआ मेरा प्रेगनेंसी, कैसे मुझे पता चला। तो ऐसा हुआ कि मेरा प्लान था सिक्किम जाने का, एक महीना पहले ही हमारा प्लान हम लोग कर लिए थे कि हम लोगों को सिक्किम जाना, मैं और मेरे हस्बैंड प्लान कर लिए थे, सब बुकिंग वगैरह सब कुछ हो चुका था और बस हम लोग ट्रैवल करने से दो दिन पहले मैं चेक की अपना किट जो होता है प्रेगा न्यूज से, मैं चेक की, मुझे लगा कि चेक कर लेते क्योंकि काफ़ी ऐसे घर वाले भी बोल रहे थे कि क्यों नहीं चेक कर रही हो, अगर लड़की लोग जानते ही हैं अगर पीरियड मिस हुआ तो क्यों नहीं चेक किया, ये वो सब लोग बोल रहे थे। तो मैं सोची कि मैं थोड़ा ये थी कि अरे यार कहीं आ जाएगा तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे घुमाने नहीं ले जाएंगे, मैं ये सोच करके चेक ही नहीं कर रही थी। लेकिन फिर लगा कि नहीं, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, चेक कर ही लेते हैं। तो मैं चेक की तो डबल लाइन आ गया, एक बार में डबल लाइन आ गया, मैं एकदम शॉक। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, फिर घर में भी सब लोग काफ़ी खुश हुए। तो फिर ऐसे ही हुआ मेरा प्रेगनेंसी का, मुझे न्यूज़ मुझे समझ में आया, मुझे पता चला। और फिर उसके बाद मैं कल हो करके डॉक्टर के पास गई। मैं उस समय अपने थी मायके में, मेरा मायके से ही जाने का था प्लान कि जाना है वहाँ पे, और मैं अपने मायके में ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हुआ। तो फिर कल होके मैं डॉक्टर के पास गई, मैं और मेरे हस्बैंड और पापा। तो फिर वहाँ पे मेरा टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ, डॉक्टर से भी श्योरिटी मिल गया और फिर से ब्लड टेस्ट हुआ था और फिर अल्ट्रासाउंड लिखा गया था। अल्ट्रासाउंड लिखा हुआ था तो फिर मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ और अल्ट्रासाउंड में कुछ ऐसा रहा मेरा रिपोर्ट। तो ये मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्सपीरियंस है, तो चलो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या रिपोर्ट में आया ये भी शेयर कर देती हूँ। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो मेरा पहला रिपोर्ट 9 weeks 6 days, अरे यार ये ब्लड हो जा रहा है। तो मेरा पहला रिपोर्ट 9 weeks 6 days पे हुआ था, 9 weeks 6 days पे मेरा हुआ था अल्ट्रासाउंड और मेरे रिपोर्ट में मेरा बेबी का हार्ट रेट भी आ चुका था उस समय, और हार्ट रेट मेरा बेबी का था 162 बीट्स पर मिनट, और प्रांसेंटा पोजीशन मेरा पोस्टीरियर, और लिक्विड इज एडिक्वेट आया था, सिंगल फिटस था ऑब्वियसली, कोई मुझे डबल बेबी नहीं है। हाँ तो कुछ ऐसा था मेरा रिपोर्ट। तो अगर आप लोगों को और भी कुछ इससे रिलेटेड जानना हो तो आप मेरे को कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। और कुछ ऐसा आया था अल्ट्रासाउंड में मेरा बेबी का पिक, पहली बार में देखी थी कुछ ऐसा नजर न लगे। तो कुछ ऐसा था मेरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। तो अब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट वगैरह का तो बात हो गया, मैं अब आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि मेरे बॉडी के सिम्टम्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कैसा हो गया था। तो मेरे साथ तो क्या था कि एक तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आता था, बहुत ज़्यादा नींद आता था, बिना बात का लगता था, इतना थकावट, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई, ऐसे तो मैं कभी नींद का गोली खाई नहीं हूँ लेकिन सुनी हूँ कि हाँ नींद का गोली खाने के बाद बहुत नींद आता है। मेरे को तो एक टाइम ऐसा लगा था कि अरे यार मेरे को डॉक्टर की नींद का गोली तो नहीं दे रहे, इतना ज़्यादा नींद आ रहा था मुझे कि पूछो ही नहीं, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था मुझे। मैं बात कर रही हूँ, मैं बेबी किक भी कर रहा है, अभी वैसे मैं थर्ड ट्राइमेस्टर में हूँ और मैं अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद और मेरे बॉडी में क्या सिम्टम्स आए थे, एक तो मैं पूरे दिन सोती रहती थी, फिर बस उठती थी, खाना खाती थी, फिर सो जाती थी, उठती थी, खाना खाती थी, फिर सो जाती थी। अभी तो काफ़ी चेंजेस आए, अभी बस मैं 1 घंटा सोती हूँ, उससे ज़्यादा मुझे नींद नहीं आता। और क्या होता था मेरे साथ, खाने पीने के मामले में बताती हूँ मेरे साथ क्या था सीन।
मुझे कुछ भी मसालेदार खाना खा ही नहीं पाती थी। लोग पता नहीं, लड़कियां गुपचुप ये सब खाना काफी पसंद करते हैं, बाहर का खाना काफी पसंद करते हैं, लेकिन मुझे तो मतलब बाहर के खाने का महक लग रहा था। और फिर से मतलब बाहर का तो छोड़ो, मुझे घर का खाना जो सब्जी में मसाला डाला जाता था उसका तक महक लग रहा था, ऐसा सीन हुआ था मेरे साथ। अभी तो मुझे इतना ज्यादा कमेंट में आते, इतना ज्यादा खाती, और स्टार्टिंग में तो मैं कुछ खा ही नहीं पाती थी, बस दो रोटी खा लेती थी, दोपहर में थोड़ा सा चावल खा लेती थी, और वो खाने में ही मुझे लगता था कि नींद आ रहा है, ऐसे लगता था मैं खा रही हूँ और मैं सो जाऊँगी, खा रही हूँ लगता है, खाते खाते नींद आता रहता था मुझे, ऐसा हो गया था सीन। लेकिन हाँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा होता है, तो अगर आप लोग जो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेग्नेंट लेडी है ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, खाना पीना नहीं खा पाते हो, तो इतना टेंशन मत लिया करो, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आकर के नॉर्मल हो जाता है ये सब सिम्टम्स, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या, मैं तो फर्स्ट सेकेंड अब थर्ड ट्राइमेस्टर में हूँ, लेकिन मैं कहीं भी बाहर बाहर नहीं निकलती हूँ, थोड़ा भी ट्रैवलिंग वगैरह नहीं करती हूँ। मेरा एक अच्छा खासा एक ट्रिप था जो कैंसिल हो गया उसका बहुत दुख होता है, लगता है कि अरे यार कितना अच्छा अच्छा जगह घूम लिए होते, लेकिन कोई नहीं, अब मेरा बच्चा आने वाला है, उसको देखेंगे, उसको देख के एक अलग ही खुशी मिलेगा, उससे बड़ा खुशी कुछ नहीं होता है। ये सब तो यार बड़ा लाइफ है, करने को अभी बहुत मिलेगा। और मैं ये भी शेयर कर देती हूँ कि हाँ, उस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई भी गर्म चीज़ नहीं खाना चाहिए, तो उस समय तो मैं कुछ गर्म चीज़ खाती नहीं थी, और जब मैं प्रेग्नेंट थी उस समय काफ़ी ज़्यादा ठंड था, तो नारियल पानी ये सब भी मैं ले नहीं पाती थी, मैं बस नॉर्मल घर का खाना खाती थी और हरा सब्जी यही सब खाती थी, और कुछ एक्स्ट्रा मैं नहीं खाती थी। दूध पीती थी, हाँ दो टाइम दूध पीती थी ज़रूर से, कोशिश करती थी कि हाँ गर्म दूध में थोड़ा केला डाल के खा लूँ, ये सब कोशिश करती थी। एप्पल खाती थी, जो एप्पल मैं अभी एकदम से छोड़ दी हूँ खाना, क्योंकि मुझे मतलब वॉमिटिंग आती है वो खाने से, मुझे बिल्कुल नहीं खाया जाता एप्पल से, तो लगता है मुझे लाइफ टाइम नफरत होने वाला है, मुझे कभी अब एप्पल पे जाएगा नहीं मन, क्योंकि इतना ज़्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं सिर्फ एप्पल खाई, क्योंकि ठंडा का समय था, ठंड में कुछ भी ठंड चीज़ खाया नहीं जाता है, ठंडा चीज़, और एप्पल होता है ये सब नॉर्मल यही सब होता है, तो बस यही सब खाती थी मैं, ज़्यादा कुछ स्टार्टिंग में कुछ खा भी नहीं पाती थी, बस यही सब नॉर्मल घर का खाना यही सब खाती थी। तो बस मेरा यही था एक्सपीरियंस, ज़्यादा वीडियो को अब मैं बिना बात का आगे क्या बढ़ाऊँ, बस यही था, बस नॉर्मल, बस अच्छे से रहो, खाओ पियो, आराम करो, गर्म चीज़ें मत खाओ, और क्या, बस हेल्दी रहो और ये टेंशन मत करो कि हाँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कि खाना नहीं खाया जा रहा है या वॉमिटिंग हो रहा है, ये सब पे ध्यान मत दो। वैसे हाँ, मुझे वॉमिटिंग वगैरह तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं उतना खाती नहीं थी कुछ अटपटा, तो वॉमिटिंग भी नहीं होता था मुझे, हाँ ये सीन था। ठीक है, तो फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके बाय।